हेलो मोहन, स्वागत है आप सभी को अर्निंग लॉजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। और जिस वीडियो के बारे में जब मैंने अपने कम्युनिटी चैनल पर यहाँ पर जिक्र किया था कि आप लोगों के सामने बहुत जल्दी ये सीट अवेलेबल होने वाला है, ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है ओपन इंटरेस्ट के, ये ऑप्शन चेन एनालिसिस सीट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स भी यहाँ पर आ चुके हैं और उसके पहले बहुत सारे ईमेल्स भी यहाँ पर आए हैं कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ ये जो ऑप्शन चेन का शीट जो पहले अवेलेबल था वो अभी काम नहीं कर रहा है। तो ये सारे चीज़ में कुछ चीज़ कॉमन था, मतलब लोगों ने दो तीन चीज़ मांगे थे कि आपका जो भी एक्सेल शीट हो वो स्पीड जल्दी डेटा फेच करना चाहिए और उस पर एनालिसिस एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसके कारण मैंने इस पर एक सिंपल एनालिसिस के हिसाब से बनाया हूँ। ये इसके लैंडिंग पेज है, आप देख सकते हैं, ये है इसकी लैंडिंग पेज, वो ये कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें आपको जो रिक्वायर्ड डेटा है यहाँ पर मिलेगा और जो इनके वॉल्यूम का नेट ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, प्राइस चेंज और अभी क्या प्राइस चल रहा है, सिमिलरली पुट साइड में इन दोनों का जो भी आपका डेटा है उसके ऊपर हम लोग ट्रेंड और इंटरप्रिटेशन दोनों साइड का चेक कर रहे हैं। और जो टोटल कॉल नेट ओआई के साथ पुट नेट ओआई का डेटा और वॉल्यूम का, सिमिलरली चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्राइस का चेंजेस, कितना प्राइस कौन से एरिया में घिसा है, जो यूजली हम लोग हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं या अगर नेकेट ऑप्शन सेल भी करते हैं उसमें यूज़ होता है। और उस इंटरप्शन के हिसाब से, मतलब जो इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा कि आपको क्या एक्चुअली करना चाहिए। तो ये डेटा आपको कैसे मिलेगा और किस तरीके से नॉर्मल आपका जो मोबाइल का 4G कनेक्शन है उससे भी आपको डेटा एकदम फास्ट विद इन 15 सेकेंड मिलेगा, विद इन 15 to 20 seconds आपको डेटा रिलोड होने के लिए टाइम लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल आप डेटा निफ्टी में जाएंगे और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि उसमें उन लोग कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते थे, तो मैंने ये कहीं पर भी कुछ लॉक नहीं डाला हूँ, तो आप चाहे तो इसमें कुछ भी चेंजेस हैं तो आप कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर आपको स्टॉप रिफ्रेश क्लिक करना है और स्टार्ट रिफ्रेश करना है, ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट रिफ्रेशिंग द डेटा। चलिए कंप्लीट हो गया, तो मुश्किल से आप देख सकते हैं कि 15 से 20 सेकंड शायद लगा होगा। ऑटो अपडेट एवरी 2 मिनट्स पे किया हुआ है, तो अगर आप इसको स्टॉप रिफ्रेश कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जो लास्ट अपडेट का टाइमिंग है वो यहाँ पर दिखाएगा और उसके हिसाब से यहाँ पर आपको डेटा बाकी सारे मिल जाएगा कि आपका पुट साइड के और कॉल साइड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अभी मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर आप देखेंगे सिर्फ जो आपका जहाँ पर प्राइस चल रहा है, जैसे निफ्टी का स्पॉट प्राइस जो है वो यहाँ पर मार्क है, अगर उसके ऊपर की तरफ 12 स्ट्राइक प्राइस और नीचे में भी 11 या 12 स्ट्राइक प्राइस कोई रखा हो, आप चाहे तो इसमें सिंपली ऐड करके दूसरा इसमें और भी स्ट्राइक प्राइस यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं, मतलब ये सारे चीज़ आप पहले से ही जानते हैं, इसको मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट बेनिफिट यही है कि अभी इसको सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर किया हूँ, तो उसके कारण क्या है कि आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है और एवरी 5 मिनट्स में या एवरी 10 मिनट्स में उसके हिसाब से प्राइस में क्या क्या चेंज हो रहा है। मतलब मेनली तो वही है कि आपका कौन से स्ट्राइक प्राइस में आपका प्राइस ज़्यादा घिस रहा है, तो उसके ऊपर से आपका जो भी ऑप्शन का ऑप्शन राइटिंग बोलिए या अगर कोई भी ऑप्शन बाई भी करता है तो वो दोनों चीज़ यहाँ पर चलता है। मैं यूजुअली इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग के काम करता हूँ और मोस्टली ये सारे एनालिसिस से ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। और आपको एक आइडिया देने के लिए यहाँ पर मैंने डिटेल्स बना के रखे कि अगर आपका इंट्राडे का कैसा रहेगा, कॉल साइट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना, फुट साइट का कितना, तो आपका क्या इंटरप्रिटेशन है
और सारे स्ट्राइक प्राइस के लिए यहाँ पर आपको साइड में दिखेगा, तो यहाँ पर कहीं पर भी ओपन इंटरेस्ट डाउन या ओपन इंटरेस्ट अप, अगर सारे अप कहीं पर भी डाउन होता है तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहा है। इवन ये रियल टाइम जो मार्केट चलता है तब आपको बहुत अच्छी तरह से काम आएगा। ये मार्केट एंड होने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको शायद उतना अच्छी तरह से पता नहीं चलेगा। एनीवेज इतना ही था, और ये सीट कहीं पर भी लॉक नहीं है, तो आप चाहे तो इसमें अपने हिसाब से जो भी अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। ये निफ्टी का सीट है, तो बैंक निफ्टी का सीट भी नेक्स्ट वीक तक मैं रेडी करके आपको अपलोड करने वाला हूँ। तो ये जो सीट है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा गूगल ड्राइव पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी आपको क्वेरीज है तो नीचे ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप कहीं पर भी कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।